हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वाले वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 24 आवर्स इन दिस डेडलीस्ट लाइफस्टाइल एसएमबी। एंड मेरे पास दो गोल है करने को। सबसे पहले मुझे अपना पूरा को पूरा नेदरएट आर्मर क्राफ्ट करना है, एंड सेकंड मुझे अपने सारे का सारा मैक्स हार्ट्स गेन करने हैं। सो या लेट्स बिगिन। सो गाइस, यहां पे मैं आ चुका हूं अपने लाइफस्टाइल वाले सर्वर के अंदर। एंड अगर तुम लोगों को इस वाले सर्वर में खेलना है तो तुम लोगों को आईपी एंड पोर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तुम लोग जाके खेल सकते हो। एंड या गाइस, तुम लोगों में से किसी ने मेरे को इस वाले सर्वर को सजेस्ट किया था खेलने को, सो या मैं यहां पे खेल रहा हूं। एंड या बाय द वे, फायर एमसी नाम है सर्वर का। ओके सो गाइस, यहाँ पे मेरे को एक स्टार्टिंग किट मिल चुकी है जिसके अंदर मेरे पास है काफी सारे स्टोन के टूल्स, एक शील्ड, और मेरे को मिल चुका है पूरा का पूरा चेन मिल का आर्मर। एंड या मेरे पास हाफ स्टैक जितने पॉक जॉब भी है। सो या ये सारी की सारी चीजें मिली है मेरे को स्टार्टिंग किट में। एंड या गाइस, एक और चीज मिले ना, पिछले दो दिन तक सर्वर को वोट किया था, एंड मैक्सिमम तुम लोग सिर्फ 3 ही वोट कर सकते हो इस सर्वर के अंदर। सो तुम लोगों को यहाँ पे साइड में मेरे पास 6000 मनी दिख रही होगी, ये वोट करने से ही मेरे पास आई है। सो या गाइस, अभी मैंने वोट किया है इस सर्वर को, एंड मेरे पास यहाँ पे 3 कॉमन क्रेट या फिर वोट क्रेट जो भी उसकी की पड़ी हुई है, तो फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। आई होप कि कुछ अच्छा मिल जाए हम लोगों को। ओके सो लेट्स गो। ओह, यहां पे एनिमेशन है यार इस सर्वर के अंदर। एंड यहां पे मेरे को मिल चुका है 10 एमेरल्ड। पता नहीं मैं इसका क्या करूंगा, बट यार फिर से देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। एंड इस बार हम लोगों को मिले है सिप के स्पॉन एग। भाई इन सारी चीजों में मेरी बहुत ही घटिया किस्मत होती है। एंड आखिरी बारी में हम लोगों को मिलता है 5 नेम टैग। वाओ। ओके सो गाइस, इन सारी की सारी वोट वाली केस से तो मेरे को कुछ फायदा हुआ नहीं है। एंड यहाँ पे मैं अकेसिया वाली बायो में आ चुका हूँ आरटीबी करके। एंड नाउ गाइस, हम लोग फटाफट से अपना ग्राइंड शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को बनाना है अपना पूरा का पूरा नेदरराइट का आर्मर, ताकि कोई भी आके हम लोगों को मार ना दे। बट नेदरराइट आर्मर से पहले भी अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम लोग फटाफट से केव में जाके काफी सारे आयरन ढूंढे और अपना डायमंड आर्मर कंप्लीट करें, क्योंकि डायमंड आर्मर होगा तभी तो हम लोग उसको नेदरराइट में कन्वर्ट कर पाएंगे। बट यहाँ पे ना आसपास मेरे को कोई भी केव दिख नहीं रही है। एंड या अभी मैं शेडर लगा के खेल रहा हूँ, चोकोपिक शेडर है ये वाले। तो या तुम लोग मेरे को कमेंट में बताना कि क्या मेरे को शेडर के साथ गेम प्ले करना चाहिए या फिर शेडर के बिना। ऑलराइट, सो यहाँ पे साइड में ही मेरे को एक बहुत ही बड़ी केव दिखी है, तो उसके अंदर मैं जाने वाला हूँ। बट उससे पहले यहाँ पे मैं थोड़ी सी लकड़ियां कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में केव में जाके भाई साहब जब भी लकड़ियों की कमी पड़ती है ना, मेरे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इससे अच्छा मैं फटाफट से 2-3 पेड़ काट लेता हूँ। एंड या मेरे को कुछ खाना भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी हाफ स्टैक जितने पॉक चॉप मिले थे स्टार्टिंग किट से। ऑलराइट सो गाइस, लिटरली मेरे को एक ओपन में केव दिखी थी, बट पता नहीं यहाँ पे मैं पानी के अंदर गेड़िया मारने क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे आयरन दिखे है। ओके, कोल तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है, बट यार आयरन कहीं पे मेरे को दिख नहीं रहा। एंड सही बताओ तो इस शेडर की वजह से इतना अंधेरा लग रहा है ना यार देखने में, मेरे को शेडर ऑफ करने पड़ेंगे। ओके सो शेडर को तो मैं बाद में बंद कर लूंगा, बट यहाँ पे सबसे पहले मैं सारे के सारे आयरन ले लेता हूँ जो कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। ओके देयर वी गो भाई साहब, अब कुछ बढ़िया सा दिख रहा है। एंड यहाँ से आगे ना केव है, तो फटाफट से मैं इस वाले डर्ट को 1 सेकंड। वाव, कितना बढ़िया लगे यार, लाइक लिटरली मेरा, मैंने सिर्फ डर्ट का ब्लॉक तोड़ा क्योंकि आगे केव थी उसके अंदर जाने के लिए। एंड यहाँ पे मेरे को मिल चुके हैं डायमंड। भाई साहब शुरुआत तो काफी ज्यादा बढ़िया हो चुकी है, ऑलरेडी मेरे को 10-12 जितने तो आयरन मिल चुके थे, एंड यहाँ पे अब मेरे को डायमंड भी मिल गए। ऑलराइट सो डायमंड को माइन करने के लिए मेरे पास आयरन की पिकैक्स नहीं है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस कर देता हूँ। एंड यहाँ से मैं बना लूंगा एक फर्नेस, एंड उस वाली फर्नेस के अंदर मैं अपने सारे के सारे आयरन डाल दूंगा जो कि मेरे को मिले थे अभी अभी। सारे के सारे तो नहीं भाई साहब, मैंने 3 डाल दिए अभी के लिए। एंड देयर वी गो, यहां से बना लूंगा मैं एक आयरन की पिकैक्स, एंड उसी आयरन की पिकैक्स से हम लोग माइन कर लेंगे इस एक डायमंड को। मैंने एक डायमंड बोला था, एंड यहां पे एक ही निकला भाई साहब, यही तो दिक्कत है यार ये न्यू अपडेट के बाद। ओके सो गाइस, यहां पे मैं काफी ज्यादा डीप केव में आ चुका हूं, एंड डीप केव में आते ही यहां पे मेरे को आयरन एंड डायमंड दोनों दिख चुके हैं। तो सबसे पहले तो गाइस हम लोग अपना यही दो चीजें कलेक्ट करने का गोल रखते हैं। एंड यहां पे 2 डायमंड के नीचे 2 और डायमंड है, वाओ, ऊपर से मेरे को नहीं दिख रहे थे। ओके गाइस, अब आइए एकदम ही ओपन वाली केव जहाँ पे मेरे को चारों के चारों तरफ आयरन ही आयरन दिखते हुए। ऑलराइट सो आयरन के साथ यहाँ पे मैं काफी सारे गोल्ड को भी कलेक्ट करने वाला हूँ। गोल्ड का कोई आर्मर तो नहीं बनने वाला, बट उसको मैं काफी ज्यादा आसानी से ऑक्शन में बेच सकता हूँ। ऑलराइट सो मेरे पास इनफ आयरन आ चुके हैं कि हम लोग अपने लिए पूरा का पूरा आयरन का आर्मर रेडी कर पाए, बट इतने भी इनफ आयरन नहीं है कि मैं अपने सारे के सारे टूल्स भी बना पाऊंगा। बट या गाइस, जो भी है, फटाफट से मैं सारे के सारे आयरन स्मेल्ट कर देता हूँ, एंड देन बनाते हैं अपना पूरा का पूरा आयरन का आर्मर। ऑलराइट सो किसी एक आयरन के आर्मर की पीस की जगह यहाँ पे मैंने एक बकेट क्राफ्ट कर लिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बकेट की हम लोगों को काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ऑलराइट सो देन यहाँ से मैं क्राफ्ट कर लूंगा एक आयरन का हेलमेट, एंड देन मैं क्राफ्ट कर लूंगा आयरन के बूट्स, एंड आखिर में मैं क्राफ्ट कर लूंगा आयरन की चेस्ट प्लेट। ओके सो लेगिंग्स के अलावा मेरे पास सारे के सारे आर्मर के पीस आयरन के हैं, एंड अभी भी मेरे को 2 और आयरन इंगट चाहिए होंगे अपनी लेगिंग्स को क्राफ्ट करने के लिए, जो कि मेरे को इजीली मिल जाएंगे। गाइस मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, पता नहीं मैं जब भी किसी भी सर्वर के अंदर खेलता हूँ अचानक से मेरे को सारे के सारे मॉब्स हार्ड लगने लगता है, लाइक लिटरली मेरा उन लोगों के ऊपर एम नहीं आता, और खास करके भाई साहब स्केलेटन्स इधर उधर इधर उधर। आई नो भाई साहब मेरे में स्किल इश्यू हुआ, बट फिर भी यार काफी ज्यादा अनोइंग हो जाता है ये।
एंड देयर वी गो, फाइनली यहाँ पे मैंने अपने आयरन की लेगिंग्स भी क्राफ्ट कर ली एंड इसी के साथ अपने पास हो चुका है पूरा का पूरा आयरन का आर्मर। ऑल राइट सो गाइस, नाउ हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा आयरन का आर्मर तो क्राफ्ट कर लिया है एंड नाउ अपना नेक्स्ट गोल होने वाला है कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपना डायमंड का आर्मर भी क्राफ्ट कर ले। एंड डायमंड के आर्मर को क्राफ्ट करने के लिए अपने को चाहिए होगी काफी सारे डायमंड एंड मेरे पास ना अभी सिर्फ 5 ही डायमंड है। एंड अपने सारे के सारे डायमंड के टूल्स एंड अपना पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर क्राफ्ट करने के लिए अपने को चाहिए होगी टोटल 36 या 39 जितने डायमंड। एंड देयर वी गो, यहाँ पे डायमंड मिलने की शुरुआत भी हो चुकी है। सो लेट्स गो, फटाफट से वहाँ पे चलते हैं एंड अपने डायमंड को लेते हैं। एंड यहाँ से मेरे को एक से ज्यादा दिख रहे हैं एंड ओ भाई यहाँ पे स्पॉनर है, ज़ॉम्बी का स्पॉनर दिख रहा है यहाँ पे मेरे को। बट वेल, ये मेरे को बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं दिख रहा है। ओके सो ये एप्पल एमसी में जैसा कि पहले था एकदम फ्रेंडली वाले माउस वैसा ही है यहाँ पे भी। एनीवेज, इस वाले चेस्ट के अंदर मेरे को क्या मिलेगा? एक पियर्सिंग 2 की बुक, गोल्डन एप्पल एंड 2 आयरन के इंगट। बट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि क्या मैं इस स्पॉनर को ले सकता हूँ सिल्वर टच के बिना? ओके मैं नहीं ले सकता भाई साहब, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एक स्पॉनर बर्बाद कर दिया। ओके सो मेरे पास इतने इनफ डायमंड है कि मैं आराम से अपने लिए एक डायमंड की चेस्ट ब्लेड क्राफ्ट कर सकता हूँ। सो या देयर वी गो, मैंने क्राफ्ट कर ली और उसे पहन भी ली। अब ना हम लोगों को थोड़ी सी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। ओके सो देखो गाइस, अब मेरे को आयरन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लाइक खुद के लिए। मेरे पास ऑलरेडी सारा का सारा आयरन का सामान आ चुका है, बट फिर भी यहाँ पे मैं आयरन को इसलिए कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑफकोर्स यार ऑक्शन के अंदर बेचने के लिए तुम लोग आराम से आयरन के ब्लॉक्स बना के उसको सेल कर सकते हो और उससे तुम लोगों को काफी सारे पैसे भी मिल सकता है जैसा कि मैंने एप्पल एमसी में किया था। सो या गाइस, वही सेम टू सेम ट्रिक मैं इस सर्वर के अंदर भी करने वाला हूँ, एक आयरन के ब्लॉक्स और गोल्ड के ब्लॉक्स बना के उसको सेल करने का और काफी सारे पैसे कमाने का। ओके सो फिर से यहाँ पे मेरे को 10 जितने डायमंड मिल चुके हैं तो इससे मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एक डायमंड का हेलमेट एंड एक डायमंड का बूट एंड इन दोनों को मैं पहन लेता हूँ। एंड अभी भी गाइस मेरे को 6 और डायमंड चाहिए अपनी लेगिंग्स को क्राफ्ट करने के लिए। ओ वाव, यहाँ पे डीप डार्क वाली बायोम है एंड उसके साथ साथ एक माइंड शार्ट भी है। चलो फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भाई साहब श्रीकर नहीं है, वरना तो भाई मेरे को वार्डन का डर लगता कि क्या पता भाई स्पॉन हो जाए। गाइस यार सच बताओ तो मेरे को नहीं पता था यार माइंड शार्ट में इतने सारे डायमंड मिलते हैं। लाइक लिटरली अभी तक तो मैं अंडर एस्टिमेट ही करता था माइंड शार्ट को डायमंड के बारे में। ये देखो भाई, एक तोड़ा एंड उसके नीचे 2 और मिल गए। वाओ, ओके सो बस सिर्फ अब एक ही डायमंड चाहिए। ओके सो गाइस, अभी मेरे को ना यहाँ पे केओ स्पाइडर का स्पॉनर मिला है, बट सैडली मैं उसको ले नहीं सकता एंड मेरे को तो वो भी नहीं पता कि सिल्वर टच से मेरे को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। एंड मैंने ना अभी ऑक्शन में देखा है कि काफी सारे लोग सिल्वर टच वाली पिकेक्स को सेल कर रहे हैं, तो मेरे को उसको लेना है। बट उसको परचेज करने के लिए अराउंड मेरे को 1 या 2 लाख जितने पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे। सो या गाइस, बस मैं अपनी मेन ट्रिक आजमाने वाला हूँ, आयरन के ब्लॉक्स और गोल्ड के ब्लॉक्स को सेल करना। भाई वो सबसे ओपी ट्रिक है पैसे कमाने में। ओके सो गाइस, कब से मैं ढूंढ रहा हूँ बट ये एक डायमंड मेरे को मिल ही नहीं रहा। मेरे को लग रहा है कि मुझे स्ट्रिप माइनिंग करनी पड़ेगी सिर्फ एक डायमंड के लिए। वैसे सिर्फ एक ही डायमंड नहीं चाहिए, अगर ज्यादा मिल जाते हैं तो भाई सब अपने टूल्स भी बनाने बाकी है। सो या लेट्स गो, मैं फटाफट से स्ट्रिप माइनिंग करता हूँ। ओके फाइनली गाइस, यहाँ पे मेरे को आखिरी डायमंड मिल चुका है जो कि मेरे को लेगिंग्स क्राफ्ट करने के लिए चाहिए था। मैंने स्ट्रिप माइनिंग भी कर ली, बट स्ट्रिप माइनिंग में भी मेरे को नहीं मिला, आखिरकार केव में ही मिला एंड उसके पीछे मेरे को 2 और डायमंड मिल चुके हैं। चलो बढ़िया ही है। ओके सो नाउ हम लोग फटाफट से क्राफ्ट कर लेते हैं अपने डायमंड के लेगिंग्स एंड 4 डायमंड कैसे बचे भाई? मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो 2 ही बचने चाहिए थे। एनीवेज जो भी है, अपने पास एक डायमंड की पिकेक्स आ चुकी है। मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा लाइक लिटरली 4 डायमंड कैसे बचे मेरे पास। आई गेस मैंने कुछ कैलकुलेशन ही खराब कर दी होगी। ओके सो अपना डायमंड आर्मर का काम तो हो चुका है एंड नाउ गाइस अब बारी आती है कि हम लोग अपनी सिल्वर टच वाली पिकेक्स या फिर फॉर्च्यून 3 वाली पिकेक्स, दोनों में से कोई भी एक एन्चेंटमेंट वाली पिकेक्स को बाय करें ऑक्शन में से। एंड ऑक्शन में से बाय करने के लिए मेरे को काफी सारे पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे और काफी सारे पैसे कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे को काफी सारा आयरन एंड गोल्ड माइन करना पड़ेगा। सो या लेट्स गो गाइस, फटाफट से अपना माइनिंग का काम चालू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं स्ट्रिप माइनिंग करने के लिए आया था क्योंकि अपने को चाहिए गोल्ड एंड आयरन ऑफ कोर्स ऑक्शन के अंदर बेचने के लिए। एंड यहाँ पे मेरे को मिल चुके हैं डायमंड्स। देख रहे हो गाइस, जो चाहिए होता है ना वो मिलता ही नहीं है। मैं कब से गोल्ड और ये सारी की सारी चीजें ढूंढ रहा हूँ बट यहाँ पे मेरे को डायमंड मिले जा रहे हैं क्या? पहली बार ही मिला है बट या फिर भी। ओ वाह, यहाँ पे मेरे को स्टोन वाले डायमंड मिल चुके हैं जो कि स्टोन और इसके अंदर जनरेट होता है, और ये डायमंड काफी ज्यादा रेयर हो चुके हैं ये डीप सेट और ये सारी की सारी चीजें आने के बाद। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास काफी सारे रॉ गोल्ड पड़े हुए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारे के सारे गोल्ड को ना इन फर्नेस के अंदर डाल के फटाफट से स्मेल्ट कर देता हूँ एंड जैसे ये सारे के सारे स्मेल्ट हो जाएंगे उसको हम लोग ब्लॉक के अंदर क्राफ्ट करके ऑक्शन के अंदर बेचने के लिए डाल देंगे। देयर वी गो गाइस, यहाँ से हम लोग बना लेंगे अपने 13 गोल्ड के ब्लॉक्स एंड मेरे पास जितना भी आयरन था ना वो मैंने सारा का सारा स्मेल्ट करने के लिए रख दिया है। अब इन सारे के सारे गोल्ड के ब्लॉक्स को यहाँ पे मैं $45,000 में डाल देता हूँ ऑक्शन में बेचने के लिए। होपफुली ये जल्दी से बिक जाए क्योंकि जितना जल्दी ये बिकेगे उतनी जल्दी अपनी प्रोग्रेस होगी। और सो गाइस अभी मेरे को एक और न्यू ज़ॉम्बी का स्पॉनर मिला था जिसके कोऑर्डिनेट मैंने नोट करके रख लिया है क्योंकि अभी तक अपने पास सिल्वर टच की पिकेक्स
ब्लॉक्स नहीं आई है कि हम लोग उस स्पॉनर को माइन कर पाए। एंड तुम लोग यहाँ पे ऑक्शन के अंदर देख ही पा रहे होगे कि मैंने गोल्ड के ब्लॉक्स तो ऑलरेडी रखी लिया है। एंड यहाँ पे भाई सब दुनिया भर की चीजें मिल रही है, लाइक हार्ट्स मिल रहे हैं, टोटम ऑफ अंडाइंग, सारे के सारे टूल्स, आर्मर, इवन ट्राइडेंट भी मिल रहा है भाई। सो यहाँ पे जो मेरे पास 7 आयरन के ब्लॉक्स है उसको मैं $35,000 में डाल देता हूँ ऑक्शन में बेचने के लिए। एंड अब नाउ अपनी ऑक्शन में दो दो चीजें पड़ी हुई है, अगर अपनी दोनों की दोनों चीजें बिक जाती है तो अपने पास ऑलमोस्ट $80,000 आ जाएंगे। तो यार अब बस सिर्फ मेरे को वेट करना पड़ेगा जब तक ये सारी की सारी चीजें बिक नहीं जाती। ओके, सो ऑलमोस्ट रियल लाइफ के दो दिन बाद जाके मैं इस सर्वर के अंदर आया हूँ। एंड अपनी एक चीज तो ऑलरेडी बिक चुकी है जो कि आयरन, एंड गोल्ड अभी भी नहीं बिका भाई साहब। ऐसा लग रहा है कि लोगों को गोल्ड के मुकाबले आयरन की काफी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, एंड आयरन काफी ज्यादा इजिली मिल ही जाता है जो कि मेरे लिए ही अच्छा है। तो यार सबसे मैं आयरन काफी ज्यादा कलेक्ट करने वाला हूँ गोल्ड के कंपेरिजन में। एंड जैसा कि मैंने बोला भाई साहब आयरन इजिली मिल भी जाता है। एंड यार गाइस तुम लोगों को मेरी इन्वेंटरी के हॉट बार में डायमंड की एंचेंटेड स्वॉर्ड दिख रही होगी जो कि अभी अभी मेरे को वोट करने से मिली है, बट एक्चुअली मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो या मैंने जस्ट तुम लोगों को बता दिया। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे मैं स्पॉन पे आया हूँ क्योंकि अभी अभी ना की ऑल ऐसा कुछ नाम का इवेंट हुआ था जिसके अंदर सारे के सारे प्लेयरों को कुछ कुछ की मिली थी, पता नहीं कौन सी मिली थी, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे मैं उसका क्रेट ढूंढ नहीं पा रहा। ओके, ये वाला क्रेट भी नहीं था। ओके, ऑलराइट, येलो वाला क्रेट था और इसके अंदर से हम लोगों को मिलता है टोटम ऑफ अंडाइंग। वाओ, दिस इज नाइस यार। अब अगर मैं फालतूगिरी कुछ करता हूँ एंड अगर मैं मर भी जाता हूँ तो एक्चुअली मैं मरूंगा नहीं, अपना टोटम यूज हो जाएगा। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैं फिर से अपना सारा का सारा माइन करा हुआ आयरन स्मेल्ट करने वाला हूँ। एंड लिटरली भाई साहब मैंने इतना सारा आयरन कलेक्ट कर दिया कि मैंने अपनी एक डायमंड की पिकैक्स ही तोड़ दी, मेरे को अभी अभी एक और न्यू बनानी पड़ी थी। एंड यार गाइस एक और चीज, मैंने इतना सारा टाइम आयरन को माइन करने में लगाया बट अभी भी अपने गोल्ड के ब्लॉक्स बिके ही नहीं है। कोई ना भाई, क्या ही कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा, इवेंचुअली वो बिक ही जाएंगे। ऑलराइट, सो गाइस फाइनली रियल लाइफ के एक दिन बाद यहाँ पे मेरे पास हो चुके हैं $129,000 जिसके अंदर हम लोग आराम से अपनी पिकैक्स को परचेस कर पाएंगे। मेरे को गाइस समझ में नहीं आ रहा कि मैं सिल्ट टच वाली पिकैक्स लूं या फिर फॉर्च्यून 3 वाली लूं। एंड वैसा भी यहाँ पे सिल्ट टच वाली पिकैक्स तो कोई बेच ही नहीं रहा, तो आई गेस मेरे को फॉर्च्यून 3 के साथ ही जाना पड़ेगा। एंड वैसे भी फॉर्च्यून 3 लेने में मेरा ही फायदा है क्योंकि फॉर्च्यून 3 से मेरे को कोई भी और 2-3 गुना मिलेगा उसको माइन करने से, तो यार मैं फॉर्च्यून 3 के साथ ही जा रहा हूँ भाई। ऑलराइट, सो यहाँ पे फॉर्च्यून 3 तो मिल रही है बट सारी की सारी पिकैक्स मेरे औकात से बाहर है, तो मेरे को यही वाली पिकैक्स परचेस करनी पड़ेगी, ना ही तो इसके ऊपर सिल्ट टच है और ना ही तो फॉर्च्यून 3 है। एनीवेज भाई साहब जो भी है मैं ले लेता हूँ, बस इसके ऊपर मेरे को फॉर्च्यून 3 लगानी है ऊपर से। ओके, देयर वी गो, ये आ चुकी है अपने पास पिकैक्स। अब बस सिर्फ यहाँ पे मेरे को फॉर्च्यून 3 की एक बुक मिल जाए ऑक्शन में से, मजा ही आ जाएगा, मैं अपनी पिकेक्स पे लगा दूंगा। ऑलराइट, सो गाइस फाइनली यहाँ पे अपने पास फिर से काफी सारा पैसा हो चुका है। एंड बीच में ना मैंने एक सिल्टच वाली बुक को भी परचेस कर लिया था, सैडली फॉर्च्यून 3 नहीं मिले, दैट्स व्हाई मेरे को सिल्टच को परचेस करना पड़ा। अब एक काम करते हैं, फटाफट से अपनी सिल्टच वाली बुक को अपनी पिकेक्स पे लगा देते हैं ताकि वो वाली पिकेक्स अपनी मैक्स आउट हो जाएगी। देयर वी गो, यहाँ से मैं बना लूंगा अपनी सिल्टच वाली ओपी सी पिकेक्स। एंड यहाँ पे ना मेरे को एक माइंड साफ भी मिली हुई है एंड साथ साथ में क्यू स्पाइडर का स्पॉनर भी है, तो उसको मैं फटाफट से लेने वालों अपने सिल्टच वाली पिकैक्स से। एंड ये अच्छी बात है भाई साहब, इनमें से कोई भी अग्रेसिव होता ही नहीं है। ओके, सो गाइस द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, क्या हम लोगों को सिल्टच से स्पॉनर मिलेगा? ये अब जरूर मिलेगा भाई साहब, क्यों नहीं मिलेगा। अब ना मैं इन सारी की सारी स्पाइडर को मार देता हूँ ताकि इन लोगों का अनोइंग साउंड बंद हो जाए, एंड देन हम लोग अपना स्पॉनर डालते हैं बेचने के लिए ऑक्शन में। ओके, देयर वी गो गाइस, हम लोग अपने स्पॉनर को $125,000 में डाल देते हैं क्योंकि इतने प्राइस में तो सारे के सारे लोग खरीदते ही है स्पॉनर को। एक सेकंड, व्हाट द हेल यार, ये क्या बात है, यू कैन नॉट सेल दिस आइटम, ये बैन है प्लग इन से। भाई अभी 3-4 दिन पहले ही भाई सर्वर में सारे के सारे प्लेयर्स या स्पॉनर को बेच रहे थे, अब ना इन लोगों ने प्लगइन में से ही हटा दिया इसको। हटा क्या दिया गाइस यार, बैन कर दिया कि तुम लोग अब स्पॉनर को बेच ही नहीं सकते। क्या फायदा हुआ गाइस यार, लिटरली मैंने सिल्टच की एक पिकेक्स बनाई है स्पॉनर के लिए एंड यहाँ पे अब स्पॉनर ही बैन है। ओके, सो यहाँ पे मेरे को एक और केओ स्पाइडर का स्पॉनर मिल चुका है एंड मैं ना अपने पास सारे के सारे स्पॉनर माइन करके रखता हूँ, क्या पता यार ये लोग फ्यूचर में अनबैन कर दे प्लगइन में से, तब तो हम लोग आसानी से बेच ही पाएंगे ना सारे के सारे स्पॉनर। ओके, सो गाइस यहाँ पे मेरे को वोट क्रेट से ना ये मैट्रिक्स क्रेट ऐसा ही कुछ नाम है इस वाले क्रेट का, तो इसकी की मिली है। लेट्स गो, क्या मिलता है इसके अंदर से, काफी रेयर होता है ये, कुछ भी अच्छा नहीं मिला यार, रेयर होता है फिर भी। एंचेंटेड वाली शील्ड दे दी यार इन लोगों ने, नॉर्मल शील्ड से भी तो काम चलता ही है ना। ओके गाइस, उस क्रेट से मेरे को जो भी मिले मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मेरे पास हो चुके हैं ऑलमोस्ट $260,000, तो हम लोग उससे कुछ ना कुछ तो परचेस कर ही पाएंगे। एंड यहाँ पे मैं परचेस करने वाला हूँ एक फॉर्च्यून 3 वाली मैक्स पिकेक्स। सो यहाँ मैं फटाफट से यहाँ पे चेकआउट कर लेता हूँ किसने सबसे ज्यादा कम दाम में रखी है फॉर्च्यून 3 वाली पिकेक्स। ऑलराइट, सो ये वाली फॉर्च्यून 3 की पिकेक्स बाकी की सारी की सारी फॉर्च्यून 3 वाली पिकेक्स से काफी ज्यादा कम प्राइस की है, तो इसको फटाफट से हम लोग परचेस कर लेते हैं। भाई साहब सबसे कम प्राइस की थी बट फिर भी 2,00,000 की थी यार। एनीवेज जो भी है, अब नाउ अपने पास हो चुकी है दो दो पिकेक्स, सिल्टच वाली एंड फॉर्च्यून 3 वाली, एंड वो भी दोनों की दोनों एकदम मैक्स। सो गाइस यहाँ पे मेरे
को $900 में एक टोटम मिल रहा है जिसको मैं ऑफकोर्स परचेस करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास जो टोटम था वो ऑलरेडी मैंने यूज कर दिया। ओह वाओ गाइस, तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो ऑलमोस्ट मैक्स नेदरराइट की स्वर्ड है, सिर्फ मेंडिंग ही नहीं है इसके ऊपर, और वो मेरे को मिल रही है $90,000 में, और बाकी की वैसी स्वर्ड यहाँ पे 1-2 लाख में बिक रही है। तो इस वाली ऑफर को तो मैं बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देने वाला। सो यार लेट्स गो, इसको फटाफट से परचेस कर लेते हैं। अब ना इसके ऊपर मेरे को मैंडिंग लगानी पड़ेगी, मैंडिंग तो गाइस यार मैं बाद में लगा दूंगा, बट अब ना सिर्फ मेरे पास $29,000 ही बचे हैं और इसके अंदर मैंडिंग या कुछ भी नहीं आएगा। सो यार अब मेरे को फिर से अपना ग्राइंड शुरू करना पड़ेगा। और लेट्स गो गाइस, यहां पे काफी सारी ग्राइंडिंग करने के बाद एंड काफी सारे रियल लाइफ के दिनों के बाद यहां पे मेरे पास हो चुका है ऑलमोस्ट $3.5 लाख, जो कि काफी ज्यादा होते हैं, बट काफी ज्यादा होने के बावजूद भी सिर्फ इसके अंदर मैं एक ही चीज खरीद सकता हूँ। एंड यहाँ पे ना ऑक्शन में मैंने एक बहुत ही बढ़िया सी चीज देखी थी, लाइक $70,000 के अंदर मैक्स नेदरराइट के बूट। सो यार इसको मैं फटाफट से परचेस कर लूंगा बिना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि भाई साहब इतनी बढ़िया ऑफर बार बार नहीं मिलती, एंड मेरे को पता भी नहीं है भाई साहब कौन इतना अमीर बंदा है कि इतने अच्छे नेदरराइट के बूट इतने सस्ते में दे रहा है। जो भी है मेरे लिए ही अच्छा है। ओके सो नाउ अपने पास अपना एक नेदरराइट के आर्मर का पीस आ चुका है, अभी भी अपने को 3 और आर्मर के पीस चाहिए, और आर्मर के पीस की तो बात ही छोड़ दो गाइस, अपने सारे के सारे टूल्स भी बाकी है स्वर्ड और पिकेक्स के अलावा। मेरे को लगता है कि मेरे को ऑलमोस्ट $1.5 मिलियन कलेक्ट करने पड़ेगा सारी के सारी चीजें परचेस करने के लिए। या भाई लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग काफी ज्यादा महंगी चीजें बेच रहे हैं, वो तो पता नहीं भाई सब कभी कभी इतनी सस्ती चीजें मिल जाती है। सो या गाइस मैं लगता हूँ फिर से अपनी ग्राइंडिंग पे, एंड ना मैं ये सारी की सारी ग्राइंडिंग इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही चीज कर रहा हूँ, आयरन एंड गोल्ड की माइनिंग, तो वो ना थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाएगा। ओके सो गाइस यहाँ पे तुम लोग राइट साइड में देख ही पा रहे हो कि मेरे पास ऑलमोस्ट $6 लाख जितने कलेक्ट हो चुके हैं, बट अभी भी ये कुछ भी नहीं है, अपने को $1.5 मिलियन तक जाना है। अगर हम लोगों को सारी की सारी चीजें परचेस करनी है तो अपने को $1.5 मिलियन चाहिए, मतलब कि चाहिए। या गाइस ये सब कुछ मैं तुम लोगों को कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ, वैसे तो एक्चुअली मैंने सारी की सारी कैलकुलेशन कर दी है, दैट्स व्हाई मैं इतने एक्यूरेट से बोल रहा हूँ कि $1.5 मिलियन चाहिए ही चाहिए। सो या गाइस मैं लगता हूँ काम पे $1.5 मिलियन कलेक्ट करने है, जब मैं कलेक्ट कर लूंगा तब मैं मिलूंगा तुम लोगों से, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आई गेस 1 महीना भी लग सकता है रियल लाइफ का। ऑलराइट सो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ $1.2 मिलियन तक, बट अभी भी हम लोगों को 3 लाख और चाहिए $1.5 मिलियन कलेक्ट करने के लिए। एंड गाइस यार सही बताऊं ना तो मैं आयरन एंड गोल्ड माइन कर करके पक चुका हूँ, ऑलमोस्ट 15 दिन जा चुके हैं रियल लाइफ के, अभी भी 3 लाख और कलेक्ट करना है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि गाइस ये रिसोर्सेस कलेक्ट करने में इतना सारा टाइम लगता है, रियल टाइम तो भाई साहब वेट करने में जाता है, लाइक लिटरली कब अपना सामान बिकेगा कब बिकेगा, एक सामान बिकने में 2-3 दिन लग जाते हैं रियल लाइफ के। ऑलराइट सो गाइस देयर वी गो, फाइनली यहां पे मैंने $1.5 मिलियन कलेक्ट कर लिए। मेरे को लगा था कि एक ही मंथ लगेगा, बट यहां पे तो भाई 1.5 मंथ लग गया। चलो भाई जो भी है, हम लोगों ने फाइनली कलेक्ट कर दिए, काफी ज्यादा मेहनत लगी है ये सारे के सारे पैसे कलेक्ट करने में। अपना बारी आती है अपना सारा का सारा सामान परचेस करने की। एंड या गाइस एक और चीज, जब मैं ये सारे के सारे पैसे कलेक्ट कर रहा था ना, तब मेरे को ये चैंपियन रैंक वाउचर मिला था, जो कि अपने को चैंपियन रैंक देता है 1 महीने के लिए। एंड या एक और चीज, माइनक्राफ्ट का न्यू अपडेट भी आ चुका है, उसके अंदर काफी सारी न्यू चीजें ऐड हुई है, जो कि हम लोग सारी की सारी चीजें सर्वाइवल सीरीज में देखेंगे। ओके सो अब ना फटाफट से इस वाउचर को रिडीम कर लेते हैं ताकि हम लोगों को चैंपियन की रैंक मिल जाए। तुम लोग यहाँ पे राइट साइड में देख ही पा रहे होगे कि मेरे को चैंपियन की रैंक मिल चुकी है, एंड सही बता रहा हूँ चैंपियन की रैंक लेने के लिए तुम लोगों को रियल लाइफ के पैसे देने पड़ता है, बट यहाँ पे हम लोगों को फ्री में मिल गया क्योंकि बोर्ड क्रेट से मेरे को वो वाला वाउचर मिला था। ओके सो ये रही पूरी की पूरी चैंपियन की किट, अगर तुम्हारे पास चैंपियन वाली रैंक होगी तो तुम लोग इस किट को रिडीम कर सकते हो, जिसके अंदर काफी ज्यादा अच्छा सामान है, पूरा का पूरा आयरन का आर्मर, प्रोटेक्शन 3 का, एंड काफी सारे गोल्डन एप्पल भी थे। ऑलराइट सो ये रिडीम कर ली मैंने चैंपियन वाली किट, एंड यहाँ पे मैंने उसका पूरा का पूरा आयरन का आर्मर भी पहन लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास जो पहले आर्मर था उससे ये वाला आर्मर काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड ये सारे के सारे गोल्ड के ब्लॉक्स और ये गोल्डन एप्पल ये सब कुछ मैं अपने सल्कर बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ ताकि अपने इन्वेंटरी में जगह हो जाए। ऑलराइट सो गाइस नाउ हम लोग अपने ऑक्शन में से काफी सारी चीजें परचेस करने वाला है, लाइक अपना पूरा आर्मर, सारे के सारे टूल्स। एंड नाउ ना अपने पास काफी सारे पैसे है, तो अगर कोई भी चीज की प्राइस हाई होती है तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑलराइट सो सबसे पहले मैं परचेस करने वाला हूँ ये मैक्स नेदरराइट का हेलमेट, जो कि ये 2 लाख का, एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी ना काफी ज्यादा कम है, काफी ज्यादा तो नहीं बट थोड़ी सी कम है, जिसको हम लोग आसानी से रिपेयर कर लेंगे क्योंकि अपने पास काफी सारे स्पॉनर पड़े हुए हैं। तो लेट्स गो, हम लोगों ने हेलमेट तो परचेस कर लिया, अब बारी आती है नेक्स्ट चीज की। ऑलराइट सो देन हम लोग परचेस करने वाले हैं 60,000 के मैक्स नेदरराइट की लेगिंग्स, एंड देन लेगिंग्स के बाद यहाँ पे मैक्स नेदरराइट की चेस्ट प्लेट, एंड चेस्ट प्लेट को खरीदते ही यहाँ पे अपना पूरा का पूरा नेदरराइट का आर्मर कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट सो गाइस तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये सारी की सारी चीजें परचेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपने पास यही एक ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग ये सारी की सारी नेदरराइट की चीजें बना ही नहीं सकते, क्योंकि नेदर ऑलरेडी सारे के सारे प्लेयर ने डिस्ट्रॉय करके रखा है, तो वहाँ पे हम लोगों को एक भी एंशिएंट डेब्री मिलने नहीं वाला। मैं डायमंड का तो पूरा का पूरा आर्मर सेट बना सकता हूँ ग्राइंड करके, डायमंड माइन करके, बट नेदरराइट का पॉसिबल ही नहीं है, सो दैट्स व्हाई हम लोगों को सारी की सारी चीजें परचेस करनी पड़ती है नेदरराइट की। सो गाइस यहाँ पे कोई बंदे ने
64 हार्ट्स को $100,000 में सेल करने के लिए रखा है, जिसको हम लोग डेफिनेटली परचेस कर लेंगे, क्योंकि वाई नॉट यार, 64 हार्ट्स लाइक लिटरली। एंड इतनी सारी चीजें परचेस करने के बाद भी अपने पास $1.1 million बचे हुए हैं। ओके सो यहाँ पे मेरे को नॉर्मल लेदर हेड की एक्स तो कहीं पे भी नहीं मिल रही, एंड यहाँ पे ये किंग वाली एक्स है जो कि पूरी की पूरी कस्टम लुक वाली है, एंड इसके ऊपर एंचेंटमेंट भी काफी ज्यादा बढ़िया है, तो इसको मैंने परचेस कर ली। ओह भाई साहब कितनी ज्यादा बड़ी लग रही है हाथ में, एंड वाओ थर्ड पर्सन करते ही पूरी की पूरी एक्स का साइज ही कम हो गया। ओके सो ऐसा लग रहा है कि अपने पास एक और कस्टमाइज लुक वाली आइटम आने वाली है, तो मैं यहाँ पे किंग वाली बो खरीद लेता हूँ, क्योंकि उसका पूरा का पूरा कस्टमाइज लुक तो है ही है, बट उसके ऊपर भाई साहब नेक्स्ट लेवल वाली एंचेंटमेंट भी है। ओके सो गाइस मैंने काफी ज्यादा ढूंढ लिया ऑक्शन में, बट कहीं पे भी मेरे को अच्छे से नेदरराइट के सवल नहीं मिल रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं क्राफ्ट कर लूंगा एक डायमंड की सवल, एंड देन ऑक्शन में से यहाँ पे मैं एक ले लूंगा नेदरराइट का इंगट, एंड देन उस नेदरराइट के इंगट की मदद से मैं अपने डायमंड की सवल को बना दूंगा नेदरराइट की सवल। देयर वी गो, यहाँ पे अपने पास नेदरराइट की सवल आ चुकी है, बट उसके ऊपर एंचेंटमेंट नहीं है। ऑलराइट सो गाइस यहाँ पे मेरे को 2 लाख में मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग 5 की इलाइट्रा मिल रही है, एंड परचेस कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास काफी सारे पैसे पड़े हुए हैं। अगर ये 2 लाख में यूज भी कर लूंगा देन फिर भी मेरे पास 6 लाख जितने पैसे बचेंगे। तो यार देयर वी गो, यहाँ पे अपने पास इलाइट्रा भी आ चुकी है। ऑलराइट सो मैंने अपने 64 हार्ट्स में से 15 हार्ट्स ले लिए, क्योंकि ये सारे के सारे हार्ट्स अभी हम लोग यहाँ पे रिडीम करने वाले हैं। एंड गाइस यार इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एक हार्ट रिडीम करने के बाद तुम लोगों को 10 सेकंड के लिए वेट करना पड़ता है दूसरे हार्ट को रिडीम करने के लिए। सो यार मैं मिलता हूँ तुम लोगों से ये 15 के 15 हार्ट्स रिडीम करने के बाद। A few moments later. And इसी के साथ गाइस मैंने अपने सारे के सारे 15 के 15 हार्ट्स रिडीम कर लिए, एंड नाउ अपने पास टोटल हो चुके हैं 25 हार्ट्स, एंड अपने को सिर्फ 75 हार्ट्स और चाहिए 100 हार्ट्स करने में। वो तो बात की बात है भाई साहब, 100 हार्ट्स करने में तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ओके सो गाइस यहाँ पे मैं RTP करके एकदम ही रैंडम जगह पे आ चुका हूँ, क्योंकि अब मेरे को ढूंढनी है एक एंशियंट सिटी, अब मेरे को थोड़े से एंचेंटेड गोल्डन एप्पल चाहिए, क्योंकि ओवर पावर बनना है तो भाई साहब एंचेंटेड गोल्डन एप्पल के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला। बट जहाँ पे मैं RTP हुआ हूँ ना, वो जगह तो ऑलरेडी सारे के सारे प्लेयर उन्हें डिस्ट्रॉय करके रखी है, और मेरे को ढूंढनी है एकदम ही न्यू वाली एंशियंट सिटी जो कि किसी ने ना लूटी हो, तो उसके अंदर तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। आई गेस मेरे को 25-30 हज़ार ब्लॉक दूर जाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हम लोगों को अच्छा सा मिलेगा। वेट अ सेकंड गाइस, यार मैं ओवरवर्ल्ड में से क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं ना यहाँ पे एक पोर्टल बना देता हूँ, हम लोग चलते हैं नेदर में, और वो भी जाएंगे नेदर की रूफ टॉप पे, क्योंकि नेदर के रूफ टॉप के ऊपर ना ही तो हम लोगों को कोई भी मॉब्स मिलेगा, और ना ही तो हम लोगों को लावा परेशान करने वाला है, और वहाँ पे हम लोग एकदम ही सीधी डायरेक्शन में जा पाएंगे। और हाँ एक और फायदा हो जाएगा कि मेरे को सिर्फ 3 या 4 हज़ार ब्लॉक की ट्रैवल करने पड़ेगा, और ओवरवर्ल्ड में अपने आप ही 25-30 हज़ार ब्लॉक ट्रैवल हो जाएंगे, क्योंकि तुम सभी लोगों को पता ही होगा कि नेदर का एक ब्लॉक ओवरवर्ल्ड के एक ब्लॉक के बराबर होता है। ओके सो गाइस यहाँ पे मैं नेदर में तो आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे ऑलरेडी मैं वाई लेवल इज इक्वल टू 118 पे हूँ। चलो बढ़िया हो गया, अब यहाँ से हम लोगों को जाना है नेदर की रूफ टॉप पे। और लेट्स गो गाइस नेदर की रूफ टॉप पे जाने के लिए यहाँ पे लैडर तो ऑलरेडी मैंने लगा के रखी हुई है, अब नाउ यहाँ पे मेरे को अपनी एंडर पर्ल निकालनी पड़ेगी, एंड एंडर पर्ल को यहाँ पे मेरे को एकदम ही फेस करके थ्रो करना है। एंड देयर वी गो, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं नेदर की रूफ टॉप के ऊपर, एंड भाई साहब यहाँ पे भी लोगों ने भाई ब्लॉक लगा के रखे हुए हैं। एनीवेज छोड़ो भाई, हम लोगों को ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है, अब नाउ मेरे को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना है नॉर्थ की तरफ, और मैं ऑलमोस्ट 4 हज़ार ब्लॉक जितना दूर जाने वाला हूँ। ओबे भाई व्हाट द हेल, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी हार्ट बीट से लिटरली भाई साहब अभी मैं डर गया था, भाई ये यहाँ पे कर क्या रहा है, कौन लेके आया यार इसको, भाई ये वाला तो लेजिट जंप स्केयर था। एनीवेज भाई साहब तुम वहाँ पे शांति से रह सकते हो, मैं एकदम ही घूम के चला जाऊंगा। बताओ वार्ड नेदर की रूफ टॉप पे गेड़िया मार रहा है भाई, एक और है, वाव लाइक सीरियसली भाई साहब दो वार्डन नेदर की रूफ टॉप पे ऐसे ही घूम रहे हैं। ओके भाई साहब इन सारी की सारी चीजों से मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला, मेरे को जेड वाले कोऑर्डिनेट पे -4000 पे जाना है। बट वी गो गाइस यहां पे मैं -4000 पे आ चुका हूँ, एंड अब नाउ यहां पे मैं फटाफट से बनाने वाला हूँ पोर्टल, एंड जाते हैं हम लोग अपने ओवरवर्ल्ड में, क्योंकि ओवरवर्ल्ड में पहुंचते ही हम लोग लिटरली -25000 पे हो गए। ओके सो ये आ गया मैं अपने ओवरवर्ल्ड में, एंड यहां पे आइस क्यों है यार, ओके आई गेस कोई फ्रोजन वाली बायोम होगी, एंड यहां पे मेरे को केव में धकेल दिया यार इन लोगों ने, अब मेरे को पूरा ऊपर, एक सेकंड, ऊपर की ऐसे की तरह यहाँ पे वर्ल्ड बॉर्डर क्यों है, वेट वेट यार डोंट टेल मी कि इन लोगों ने सिर्फ 20,000 by 20,000 का ही वर्ल्ड रखा है, भाई ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा यार, लाइक लिटरली मैं कुछ न्यू स्ट्रक्चर ढूंढ ही नहीं सकता, एंड ना ही तो मैं कुछ दूर जाके अपना बेस बना सकता हूँ। एक सेकंड गाइस यार अभी पता चल जाएगा, मेरे को एक्स पे भी -10,000 पे जाना पड़ेगा, मैं कुछ इतना ज्यादा भी दूर नहीं हूँ, 2200 ब्लॉक से दूर जाना है, सो लेट्स गो फटाफट से 2200 ब्लॉक वहां पे चलते हैं। जैसा कि डर था गाइस वही हुआ, इन लोगों ने सिर्फ 20,000 by 20,000 का ही पूरा का पूरा वर्ल्ड रखा है, वो भी लिटरली 300 प्लेयर के लिए, लाइक सीरियसली भाई। एनीवेज खैर छोड़ो गाइस, अब नाउ गाइस हम लोगों को कोई भी ऐसी एंशियंट सिटी नहीं मिल सकती जो कि किसी ने ना लूट के रखी हो, क्योंकि गाइस इस वर्ल्ड के ऑलरेडी 8000 प्लस दिन हो चुके हैं, और 8000 दिनों में तो भाई साहब सारे के सारे प्लेयरों ने सब कुछ ऑलरेडी लूट के रखा होगा इतने छोटे से वर्ल्ड में। और हाँ गाइस मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरे के पूरे रास्ते में मेरे को भाई साहब दुनिया भर की क्राफ्टिंग टेबल पड़ी हुई मिली है, सो यहाँ पे प्लेयर ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे अपना घर भी नहीं बना सकते, अगर हम लोगों ने यहाँ पे अपना घर बना भी लिया तो वो तो इजिली एक्सपोज हो जाएगा किसी भी प्लेयर के द्वारा। ओके सो गाइस हम लोगों को नई
ये इंसेंसिटिव तो मिली नहीं क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड बॉर्डर आ गई थी। एंड अब ना हम लोग एक काम करते हैं, अपने पास जो हार्ट्स पड़े हुए हैं ना बहुत सारे 49 जितने, वो सारे के सारे मैं रिडीम कर लेता हूँ। एंड वो सारे के सारे रिडीम करने के बाद हम लोग दूसरे भी परचेस कर लेंगे एंड अपने 100 हार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। अबे भाई साहब ये क्या हो रहा है यार, मैंने 5 हार्ट्स और रिडीम किया और अपने पास टोटल हो चुका है अभी 30 हार्ट, और अब मैं आगे रिडीम करने जा रहा हूँ तो भाई साहब ये लोग कह रहे हैं भाई इससे तुम लोग ज्यादा हार्ट्स कर ही नहीं सकते, मैं ऑलरेडी मैक्सिमम हार्ट्स पे आ चुका हूँ, लाइक लिटरली 30 हार्ट्स ही कर सकते हो तुम लोग इस वाले सर्वर के अंदर। भाई साहब यार क्या ही बोलो यार, मैं तो मैंने सोचा था कि हम लोग फटाफट से अपने 100 हार्ट्स कर लेंगे, एक गोल अपना कंप्लीट हो जाएगा, बट यहाँ पे तो सिर्फ 30 हार्ट्स ही कर सकते हैं। एनीवेज गाइस यार अपना गोल तो कंप्लीट हुआ है, अपने को तो मैक्सिमम हार्ट्स करने थे चाहे वो 30 हो या फिर 100। ओके सो बस गाइस यही थी आज की वीडियो, मैंने सोचा था कि हम लोग काफी सारी एंशिएंट सिटी को एक्सप्लोर करके एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल कलेक्ट करेंगे, बट वहाँ पे तो वर्ल्ड बॉर्डर आ गई एंड देन मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग 100 हार्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं, बट सिर्फ हम लोग 30 कलेक्ट कर सकते हैं इस वाले सर्वर में। सो या गाइस हम लोग एकदम ही ओवर पावर बन चुके हैं इस वाले सर्वर के अंदर। सो आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।